Film Festival, because he presents also also group Rajasthan Film Festival in association with ETV Rajasthan, Telangana Tourism, Puducherry Tourism, Digital Partner East Makers, and event on and managed by K-Series. And this is Kaveer, your host. Today's a wonderful morning. First of all, happy Ganesh Chaturthi, all of you. Kal hai, and sabhi log, I hope ki, jaise college school mein entry kiya hai, sabhi log taiyariyon mein lage hue hain. Kitne log Ganesh ji ko mante hain? Budhwar ko jaate ho? Jhoote? Jaate koi bhi nahi, aise hi haath khada kar diya. Imandari se batao, kitne log jaate ho? Imandari se keh raha hu. Aur jhoote jhoote kitne log jaate ho? Okay, chalo. यहाँ पर राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जो कि हर बार होता है, इस बार फिफ्थ एडिशन है इसका, और इसमें एक एडिशन और ऐड किया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 14th ऑफ सितंबर को इंटर स्कूल कंपटीशन है, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, और इसमें जो स्कूल विनर रहेगा, जिस स्कूल की टीम विनर रहेगी, उन्हें मिलेंगे 21,000 रुपीज का कैश प्राइज, और जो सेकंड पोजीशन पर रहेंगे उनको मिलेगा 11,000 रुपीस का कैश प्राइज, जिस स्कूल की टीम विनर रहेगी, और उन दोनों टीमों को मिलाकर एक परफॉर्मेंस तैयार किया जाएगा, वो लोग 16th ऑफ सितंबर को टैगोर इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर, सुना है नाम आपने, के दीप स्मृति ऑडिटोरियम में होगा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, उसके मेन स्टेज पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये तीन मौके हैं आपके पास। So, यहाँ पर बहुत टाइम से मैं जानता भी हूँ, मंजू मैम से मुलाकात हुई, आपके म्यूजिक टीचर, कितने लोग सीखते हो इनसे म्यूजिक? ओके, सिंगिंग वाले कितने हैं? कितने लोग सिंगिंग सीखते हैं मैम से? और कितने लोग तबला बजाते हो? तबला प्ले करते हैं, सॉरी। और इसके अलावा और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे सिखाए जाते हैं आपको, आप बता दो। मैंने तो सिर्फ अभी यहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स नहीं प्ले करवाते, सिर्फ सिंगिंग। ओके, तो आप सब में सबसे ज्यादा स्टार कौन है यहाँ पे, सिंगिंग का स्टार कौन है? अनुराग। कौन है उसे? अनुराग, अपने आप खड़े हो जाओ भाई, जो स्टार है सिंगिंग के स्टार कौन है? अरे वाह, आप हैं, आ जाओ, इतनी छोटी सी उम्र में स्टार बन गए यार, फैन फॉलोइंग तो बहुत सारी होगी आपकी, आ जाओ। वैसे हम लोग यहाँ पर डांसिंग स्टार्स को लेने के लिए आए हैं, स्कूल के बिहाफ पर, आरएफएफ के बिहाफ पर हम एक टीम को इनवाइट करने के लिए आए हैं, और उस टीम में मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए और मिनिमम 8 स्टूडेंट्स। ओके सर, क्या नाम आपका? नाम पूछना, परफेक्ट कल्चर क्लब, क्या नाम आपका? ओके, आपके पास में इंस्टाग्राम है? इंस्टाग्राम पे हो आप, और फेसबुक पे? फेसबुक पे हो तो कितनी फॉलोइंग्स है आपके स्कूल के, स्कूल्स में से? 298। यार इतने तो हमारे भी नहीं। चलो, क्या परफॉर्म करते हो आप, सबसे ज्यादा क्या लाइक करते हो, किस गायन को ज्यादा लाइक करते हो? जैसा कि मंजू मैम को तो मैंने बहुत बार सुना हुआ है, और इनके साथ में बहुत सारे इवेंट्स करने का मौका भी मिला हुआ मुझे। सो क्या लाइक करते हैं, कौन सा गायन ज्यादा लाइक करते हैं आप? बॉलीवुड सिंगिंग हो जाए फिर आज। वैसे हम लोग हैं तो डांसिंग स्टार्स के लिए यहाँ, लेकिन जैसे ही मैंने मंजू मैम को देखा तो मुझे पता था बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे सिंगिंग वाले होंगे। ओके, सो हो जाए गाना, चलो आ जाओ यहाँ पे, एक बार तालियां हो जाए इनके लिए प्लीज, और तालियां हाथों से ऊपर आनी चाहिए। थैंक यू। Thank you.
क्लास में हो? नहीं सी तो मत बताओ, ए बी सी डी बहुत सारे जो वो होते हैं, क्या होते हैं ये हाउसेस, सेक्शन हाउसेस भी होते हैं। ये जो आपके यहाँ पे टैग लगा हुआ है परफेक्ट कल्चर क्लब का, ये क्या है इनको बताने दो ना, लड़कों की किसी की आवाज ही नहीं निकल रही, सिर्फ गर्ल्स की आवाजें आ रही है। बड़ी फैन फॉलोइंग लंबी बना के रखी हुई हमने। यस यार थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज। जी बताइए। तो आप डांस भी करते हैं? अरे वाह परफेक्ट है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। सो प्लीज ये छोटा सा एक नजराना है आपके लिए, ये हम दे रहे हैं बीका जी की तरफ से। कितने लोग हैं जो बीका जी की नमकीन भुजिया रसगुल्ला खाते हैं? सभी लोग खाते हो? अभी तो आपकी उम्र है खाने की, खाते रहिए। सो थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी हम लोग हैं यहाँ पर, जो हमारा एम है इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है। इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए काउंटिंग होनी चाहिए कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा 20, और आपके गाने का जो थीम है वो राजस्थानी होना चाहिए, क्योंकि हम राजस्थानी मूवीज को, राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी सॉन्ग्स को एंड राजस्थान के बारे में उस चीज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर है। सो कितने लोग हैं जो आप में से डांसिंग इंटरेस्टेड है? अच्छा स्कूल के बिहाफ पे, जैसे मंजू मैम तो म्यूजिक सिखाते हैं, डांस के लिए कौन कोऑर्डिनेट करते हैं आपको, कौन टीचर, कौन मैम? सॉरी सरोजनी मैम कहाँ पे है मैम? अच्छा सो जानकारी मैंने आपको दे दी है मैम, और स्कूल की तरफ से हमें एक टीम चाहिए जो इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगी। सो कितने लोग हैं जो डांस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? यस लड़कों में से कोई भी नहीं, ये अकेले डांस करते हैं, आप सब लोग एंजॉय करते हो इनको, और इधर देखो पढ़ लो पढ़ाई कर लो, अदरवाइज आने वाले टाइम में गर्ल्स तो बाहर जाएंगी काम करने के लिए और आप घर के काम करोगे, इसलिए पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दिया करो और वो दूसरे काम भी किया करो। आइए सर प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमें चाहिए मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स एंड आपके स्कूल की तरफ से जो परफेक्ट हो गए, ऑब्वियसली बात है मैम को लगेगा जो परफेक्ट है ग्रुप डांस कर सकते हैं वही लोग आएंगे, बट यहाँ पर हमारे साथ हैं मॉनिटर है। अच्छा बताओ क्लास के अंदर जो मॉनिटर किसको बनाया जाता है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है? अच्छा किसको बनाया जाता है बताओ, एक मिनट सुनने दो भाई, बोलो बोलो खड़े होके बोलो, जो क्लास का मॉनिटर किसको बनाया जाता है? यहाँ थोड़ा सा आगे थोड़ी जगह दो। जी सर आपका नाम? जो शैतान बच्चा होता है आपको आपको मालूम है कि शर्ट का नीचे का एक बटन खुले होने का मतलब क्या होता है? मालूम है आपको? नहीं मालूम है, बंद करो इसको पहले। आपको मालूम है शर्ट का नीचे का बटन, ये वाला जो बटन है ये खुला होता है, इसका मतलब क्या होता है? मालूम है? नहीं मालूम है आपको क्या होता है? क्या होता है शर्ट के नीचे का अगर ये बटन मेरा खुला हुआ है, That means, क्या होता है? सामने वाला देखते ही मुझे क्या सोचेगा मेरे बारे में? बड़ा दादा ही किस्म का इंसान, बड़ा बुड्ढा आदमी, तो ये बटन हमेशा क्लास में बंद रहना चाहिए, ओके? और टाई को थोड़ा ऊपर खींच लो, कंठला कोट है ये, ओके, जस्ट लाइक इट। ये जो टाई है ये बहुत कम लोगों को पहनने को नसीब होती है। यस अब देखो कितने स्मार्ट क्यूट बंदे लग रहे हो यार। आप बताओ किसको मॉनिटर बनाया जाता है? शैतान बच्चे को। तो आपको क्यों नहीं बनाया बताओ, आपको क्यों नहीं बनाया? आप शैतान नहीं है, ले लो बच्चे कितना क्यूट है। आप बताओ किसको बनाते हैं मॉनिटर? जो ऑलराउंडर होता है, किस किस में ऑलराउंडर? पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी में क्या करते हो, क्या नारे लगाते हो, ऐसा कुछ होता है क्लासेस में? क्योंकि भाई हमें तो कभी मॉनिटर बनने का मौका मिला नहीं, हम तो क्लास में सबसे पीछे बैठते थे। आप भी पीछे बैठते हो तो सेम यार। कितने परसेंटेज आते हैं बेटा आपके? बस
आजकल जो परसेंटेज का मुकाबला चलता है, मेरी बिल्डिंग के अंदर नीचे चार बच्चे हैं, चार परिवार रहते हैं, और उन चारों बच्चों में आपस में कंपटीशन है। मुझे मैं कभी उधर आने का आपको बताऊंगा, उस बच्ची के परसेंटेज मैंने कल पूछा, मैंने वैसे हमेशा फोन पे लगी रहती है, दिन भर खेलती रहती है, वो क्या बोलते हैं वो, हाँ वो चिड़ी बल्ला जिसे कहते हैं, वो खेलती रहती है। कल मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा बेटा पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो क्या, ऐसे दिन भर खेलते रहते हो, कितनी परसेंटेज आती है? बोले भैया 99.5 ये परसेंटेज है उसकी 8th स्टैंडर्ड में, 99.5। और हमने तो, हमारी तो पहली क्लास से लेकर 12वीं तक ही मिला रहोगे ना तो भी नहीं बनेगी, ये परसेंटेज चलता है। तो 70-80 तो नॉर्मल है यार, 70-80 तो नॉर्मल है, थोड़ा इसे और आप करो। आपके कितने परसेंटेज है? तो फिर खाए के मॉनिटर बना दिए भाई इसको। चलिए थैंक यू सो मच। क्या आंसर था, क्या बोला था आपने, किस लिए बुलाया था मैंने आपको यहाँ पे? डांस के लिए। ओके, कौन सा गाना आपका चॉइस किया, बॉलीवुड या राजस्थानी? नहीं, इसको तो लगा रहता हूँ मॉनिटर डांस करते हुए, ऐसे ही अच्छा लगता है, ले लूँ मैं? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं लगा लूँ। ओके, बॉलीवुड और राजस्थानी? गणेश चतुर्थी का 10 रुपए मिल गए। ओके, बॉलीवुड और राजस्थानी, गाना आपके पास है और है दे दो, इसके लिए कौन मना करता है? ये पक्का मुझे पता है, कल गणेश चतुर्थी है और आपने कलेक्शन किया है। कलेक्शन है ना आपका, ये क्लास का कलेक्शन है, क्लास का कलेक्शन है, पुस्तों का है, मिलकर कुछ पार्टी वार्टी करोगे। ओके चलो जी, प्लीज एक बार दो तालियां बजाने के लिए, यस प्लीज। गाना हमने राजस्थानी लिया, बट आपकी मूव्स जो दे वो बॉलीवुड के दे। ये पहले तो अपना ये पैसा और ये पॉइंटर के जो टैग है ये ले लीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे और भी हैं बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे, गर्ल्स में से कौन आएगा? ये यहाँ पे रखो, वो सामने वो जो फोटो वाले भैया हैं वो पैसे लेते हैं फोटो खींचने के, इसलिए फोटो खींचवा लो प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बार कौन आएगा प्लीज? यस आ जाओ, यस यस यस। एंड ऑब्वियस ही बात है, गर्ल्स की परसेंटेज जो है वो 70-80 से अबव ही रहेगी। कितने लोग हैं जो 80 से अबव वाले हैं गर्ल्स में से, और बाकी 60 से अबव वाले? 60 से अबव कितने लोग हैं? अरे वाह, गुड। क्या नाम बेटा आपका? चारू। आपके लिए कौन सा गाना प्ले किया जाए, राजस्थानी और बॉलीवुड? राजस्थानी गाना, जो यही जो अभी चलाया था वही चला दीजिए प्लीज। शाहरुख के लिए इधर से तो कम से कम जोरदार वाली ताली आनी चाहिए। हाँ, जागी धोखनी वे चंदा में पाई।
थैंक यू चारों, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है एंड जब आपकी टीम आएगी इंटर कॉलेज इंटर स्कूल का कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तब मिलजुल कर बहुत सारे मूव्स हैं जो बना लीजिएगा प्लीज अभिता इनको गिफ्ट किया जाए थैंक यू सो मच ये आपके लिए अभी ये ले जाने के बाद में उधर जाना है कि इधर बैठोगे इधर जाके उधर जाना है तो खोलना मत इसको थैंक यू नेक्स्ट वन प्लीज आइए आ जाइए आ जाइए और ये चारू बहुत अच्छा गाते भी है ऐसा मैंने सुना है ना बहुत अच्छा गाते भी हैं आप जब कोई तारीफ कर रहा है मैम तारीफ कर रहे हैं आपकी बहुत अच्छा गाते भी हैं तो ऑब्वियसली बातें गाते होंगे आपका नाम रूबा आपके लिए कौन सा गाना किया जाए स्किप सॉन्ग ये इस गाने को वापस से चला दीजिए प्लीज एंड यहाँ पर हमारे साथ ये मयूर सर है जो आप सभी लोगों को लाइव ले रहे सो लाइव लेने के लिए उधर आ जाते हैं ना उनके साथ अरे वाह फेसबुक पे लाइव आएंगे सबके साथ आज तो वैसे भी ओके तो आपकी हाथ वाथ थोड़े हवा पे हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा और ये अरे वाह फोटो लेने के लिए भी आ गए दे दो भाई फोटो दे दो आता हुआ मैंने चाहिए Chandani, Manata, Manana, Ma, Ikusi, Jumi, Jumi.
ये 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 प्लीज आप वहीं रुको हम आपके पास में आ रहे हैं कुछ लेकर आप आ चलो नाम क्या आपका आदित्य दिस इज फॉर यू आपके लिए यही खोलोगे या वहां जाके खोल रहे खोल दे सारे चपट पड़े मेरे को भी दे ऐसा चलिए थैंक यू सो मच प्लीज जी नेक्स्ट आ जाओ सिंगल आना है या सभी साथ ही साथ आ जाओ ये मैंने पहली बार देखा है पहले पहला स्कूल है ये जिसमें बच्चे पर्सनली सिंगल परफॉर्मेंस दे रहे हैं अदरवाइज तो सभी कहते हैं सर हम लोग तो ट्रुप में करेंगे बट यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आई होप सो कि थैंक यू सो मच प्लीज बेटा इधर आ जाओ नाम क्या आपका चारुल चारुल के लिए क्या होनी चाहिए अरे तालियां तो दे दो बच्चों आज तो हवा का प्रदर्शन है थैंक यू और आपका गाना सेम सेम गाना रिपीट करते हैं प्लीज यस पार्टिसिपेट करने के लिए आई एम डैम श्योर ट्रॉफी इन्हीं के हिस्से में आने वाली है थैंक यू सो मच रीजन बिहाइंड दैट कि हम लोगों का जो थीम है राजस्थानी थीम है और राजस्थानी में जितने बच्चे जितने परफेक्ट है इसके अकॉर्डिंग तो मुझे हमें तो अभी तक कोई स्कूल में ऐसे बच्चे मिले नहीं है एंड ये ट्रुप ऑब्वियस ही बात है Amazing है थैंक यू सो मच प्लीज नेक्स्ट वन एक साथ करेंगे एक साथ करना है दोनों पक्की सहेलियां हो अच्छा आपका नाम क्या है और आपकी सहेली का नाम क्या है महविश महविश क्या मतलब होता है इसका जन्नत का दरवाजा वाओ ग्रेट यही गाना सेम गाना रिपीट करें तो सॉरी बता दिया प्लीज प्ले कर दीजिए गिफ्ट के मामले में कोई आदत नहीं है कभी आपके हिस्से में आएगी तो कोई बात नहीं आपको दूसरा देते प्लीज अर्पिता जोड़े वाला देना जोड़े वाला रुको महवेश रुको रुको यार जोड़े वाला देना प्लीज जोड़े वाला चाहिए यस जोड़े वाला चाहिए ये दिया था मैंने दोनों को लेकिन महवेश ने पहले ले लिया सो आपको कौन देते हैं थैंक यू सो मच जी वॉइस वैसे
कातिल कार्तिक, ओके कार्तिक आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इंटेक क्लब के। ये इंटेक क्लब वैसे करता क्या है? लिसन क्लब के बीच में इंटरेक्ट करता है, मतलब एक क्लब इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक उधर है, चार क्लब्स हैं और उनके बीच में आपका काम इंटरेक्शन का है कि सबके साथ में ऐसा मीटिंग फिक्स करवाना सबकी, मतलब देसी भाषा में बोलते मांडोली करते हो ऐसा बताओ ना, सही सच्ची बताओ मीटिंग सर बीच के मतलब बात करते। अच्छा, एक ही क्लब के सभी मेंबर्स के बीच में अगर किसी तरह का कोई मनमुटाव हो तो उनका निपटारा करवाना ऐसा। चलिए थैंक यू, ये आपको दे नहीं रहे पहले आगे। गाना कौन सा आपका? बॉलीवुड कोई सब लगा दे दो मुझे, दे दो ये। हाँ बॉलीवुड का गाना होना चाहिए। आपकी घड़ी बंद है क्या? चालू है? अच्छा एलईडी है, चल रही है, इसमें टाइम दिख रहा है, पता चल रहा है सर? पता ऐसी घड़ियां पहनते क्यों, जिसमें हम तो सुइयों के आते हैं। मैंने सोचा घड़ी बंद हो गई है, चलो आपकी बंद घड़ी। थैंक यू, और ये आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज यस आपको आना। तो फिर इधर तो वही लोग खड़े रहते हैं जिनको डांस करना होता है। आ जाओ, सिंगिंग करते हैं आ जाइए प्लीज, आ जाइए आइए। आप सिंगिंग करते हैं? अरे वाह, प्लीज धीरे खड़े रहिए, आप देख लो नाम क्या आपका। अनुराग के लिए प्लीज दो तालियां हो जाए।
सकल सावे हो मन सकल दिखाओ जी हरि सरारत सब जानू मैं तोरी हर चले मन बंगाली मैं कह लगे मर गुड़ में जागी ऑडिटोरियम में एंड वहां पर हम आपके स्कूल की तरफ से एक टीम इनवाइट करने के लिए आए हैं यहाँ पर और आपकी टीम में मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए एंड मिनिमम 8 स्टूडेंट्स आपके गाने की थीम राजस्थानी होनी चाहिए और अगर आप 5 या 4 मिनट का गाना लेते हैं तो कम से कम 2 मिनट का गाना राजस्थानी होना चाहिए सरोजनी मैम शायद आ गए यहाँ पे ओके मैम चलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ और इसके अलावा हमारे साथ अर्पिता मैम है ये शेयर करो ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल टीचर्स थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच एंड हम उम्मीद करते हैं कि 14th ऑफ सितंबर को जो इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के यहाँ पर होने जा रहा है उसमें आप सभी लोगों की तरफ से जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए विशेष बहुत सारी दुआएं एंड आप लोगों की तरफ से एक बार जोरदार तालियां सभी लोगों के लिए आएंगे ओके 2, 4, 6, 8, 10, 12 वैसे ग्रुप तो बन गया है और कोई ऐड होना चाहे ऐड ऑन होना चाहे तो अभी 8 स्टूडेंट्स की जगह बाकी है आप लोग आ सकते हैं और आप जो लोग भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें जो ग्रुप पार्टिसिपेट करें प्लीज ये ध्यान रखिएगा आपके गाने की थीम आपकी परफॉर्मेंस का थीम राजस्थानी होना चाहिए ओके थैंक यू सो मच प्लीज टेक योर सीट्स थैंक यू
thank you so much. And hey, Abhili, thank you. Thank you. Thank you. Okay, Manju ma'am, sir, request to please help for hanging out. Please. Say 16th of September for the Rajasthan Film Festival and 14th of September for the Interpolis Jazz Competition. Manju, please, silent. Sir, I'm Mr. K. Sansa Nandavir Nakwa. Thank you. Sir, please, I'm here. आप पता चला मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि मॉनिटर 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 बारी बारी से आप ऐसा लगता है कि एक साल में एक ही मॉनिटर होगा एक क्लास के अंदर एक ही मॉनिटर होगा वो होते हैं चेंज करते रहते होंगे हर दस दिन में चेंज होता होगा ओके थैंक यू सो मच एंड मैम जितनी जानकारी हमने इंग्लिश स्कूल कॉम्पिटिशन के बारे में दे रही थी राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के लिए हमें उनको दे रही लेकिन फिर भी एक बार आप बोल दीजिए कि ज्यादा अच्छा लगेगा जल्दी से आइए प्लीज सिर्फ सिंगिंग के लिए लास्ट
अच्छा आपको सिंगिंग नहीं आता? अच्छा ये फर्स्ट टाइम का है, बहुत बढ़िया था, थैंक यू सो मच प्लीज। ये अकेले, ये अकेले, थैंक यू। और इसको खाना और अच्छे से खाना, और इसके इसके इससे आवाज़ बहुत अच्छी हो जाती है इसके खाने से, और वेट भी अगर अच्छी नहीं हो तो उसको लेकर बोल। ओके थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं 14th September को डांस कॉम्पिटिशन में, जिसमें आपके बहुत सारी गर्ल्स और बहुत सारे बॉयज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, थैंक यू।